और दोस्तों वापिस स्वागत है आपका चैनल बंक स्वीट में। मैं हूँ समर विसानी और यहाँ पे बात करेंगे जो ज्योग्राफी है हम लोग के क्लास 11th का, उसका जो चैप्टर 2 है द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, उसके ऊपर हम लोग पूरा बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको हिंदी जो है वो समझ में नहीं आती है, आपको इंग्लिश प्रेफर करना है, तो आप हमारे चैनल में इसका इंग्लिश वीडियो भी देख सकते हैं। यहीं पे आपको अपने आपके सामने उसका एक थंबनेल मिल जाएगा, तो आप क्लिक करके उसको देख लीजिए। इसके अलावा बाकी जो वीडियोज है उसको उसके साथ अगर आपको बने रहना है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे तो मैं पहले कभी कहता नहीं हूँ, पर कर दीजिए ज्यादा बेटर होगा। और यहाँ पे चलिए देखिए, फर्स्ट जो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे वो है अर्ली थ्योरीज। तो यहाँ पे देखिए पूरा चैप्टर इस तरह से चलेगा कि हम लोग देखेंगे एवोल्यूशन कैसे हुआ। हम लोग चैप्टर का नाम ही सुने ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, तो किस तरह से ओरिजिन हुआ सबसे पहले तो उसके बारे में बात किया जा रहा है कि ओरिजिन क्या था। अब ओरिजिन भी जो हुआ उसमें कुछ थ्योरीज थी जो पहले जो लोग थे वो लगाते थे, फिर आकर के थ्योरीज चेंज हुआ, अभी नया थ्योरीज हम लोग जो अभी प्रेफर करते हैं वो। तो देखिए अर्ली थ्योरीज में बहुत सारी थ्योरी थी और इससे बहुत पॉपुलर आर्ग्यूमेंट था जो कि इमैनुअल कांत के द्वारा दिया हुआ था। इमैनुअल कांत एक जर्मन थे और यहाँ पे उनका जो आर्ग्यूमेंट था उसको मैथमेटिशियन लैपलेस नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने रिवाइज किया 1796 में, और इसको बोला जाता है नेब्यूलर हाइपोथेसिस। अब नेब्यूलर हाइपोथेसिस क्या होता है, बोला जाता है कि जो प्लैनेट्स है वो एक क्लाउड से बने हैं जिसके बीच में मतलब बेसिकली मान लीजिए कि एक सन है, ठीक है, एक सन के साथ एक पूरा क्लाउड है और वो क्लाउड जो सन है वो धीरे धीरे घूम रहा है और वो जो क्लाउड है उससे बना है सारा प्लैनेट। तो ये था नेबुलर हाइपोथेसिस। अब इसके बाद देखेंगे कि 19,000 में चैम्बरलेन जो कि एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एंड एजुकेटर एडुकेटर है, आप जब देख सकते हैं मैंने, अच्छा उनका फोटो मैंने नहीं दिया, तो चैम्बरलेन जो है और मिल्टन मिल्टन एक एस्ट्रोनॉमर है, ये इन्होंने बोला कि एक वॉन्डरिंग स्टार जो है वो आया और वो क्या किया, नेबुला से क्रॉस होके पार किया। अब देखिए नेबुला क्योंकि एक क्लाउड था तो उससे जब एक कुछ बीच से क्रॉस होगा तो क्या होगा, वो क्लाउड जो है वो स्प्रेड हो जाएगा। मान लीजिए आपके घर में या फिर कहीं भी आप लोग देखते होंगे सिगरेट जल रहा है या फिर कहीं धुआं हो रहा है, अगर आप लोग अपना हाथ उसके बीच से पार कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपके हाथ के पीछे पीछे भी बहुत सारे जो क्लाउड जो वो जो स्मोक है वो आ जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी कहा गया कि जो क्लाउड है वो एक क्या हुआ, एक लॉन्ग सिगार फॉर्म में वो आ गया। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे वो जो जो अलग हो चुका था ना जो स्मोक या फिर जो क्लाउड अलग हो चुका था वो धीरे धीरे कंडेंस होना चालू हुआ, धीरे धीरे छोटा होना चालू हुआ और उसके बाद क्या हुआ कि ये मिलकर के प्लैनेट बनाया। और इस जो ये जो थ्योरी था इसको सर जेम्स जीन और सर हैरल्ड जेफरी दोनों ने मिलकर के सपोर्ट किया। तो ये अभी तक हुआ। इसके बाद देखेंगे क्या है कि लेटर स्टेज में कुछ दिन बाद क्या हुआ, ऐसे भी आर्ग्यूमेंट बनने लगा कि सर सन का एक कंपेनियन भी है, एक और सन भी है जो कि अभी है करेंटली, तो इसके बारे में ज्यादा चैप्टर में कहा नहीं गया है। ये इसी वजह से कहा गया था क्योंकि हम लोग अपना देखिएगा हमारा जो ऑर्बिट है वो क्या एलिप्टिकल है, और एलिप्टिकल का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊं कि जो एक सर्कल को अगर हम लोग स्क्वीज कर देंगे ऊपर से तो एक एलिप्टिकल बनेगा, ठीक है। अब उस एलिप्टिकल ऑर्बिट का दो सेंटर होता है, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट का दो सेंटर होता है, तो उसमें से एक सेंटर में सन अवेलेबल है, तो ऑफकोर्स लोगों को लग रहा था कि दूसरे सेंटर में भी कुछ और होना चाहिए। तो यह है टोटल यहाँ पे फंडा कि एलिप्टिकल जो आर्ग्यूमेंट बताया गया कि एक और सन का एक कंपेनियन होना चाहिए। 1950 में ओटो स्किमडिट जो कि रशिया के हैं और कार्ल विजास्कर जो कि जर्मनी के हैं, उन्होंने मिल करके एक रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस लेकर के आया, मतलब दोनों मिलकर फिर से उसको डिस्कशन किए और एक रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस लेके आए। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सन जो है वो नेबुला से सराउंडेड है, ठीक है, और उस नेबुला में क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम और डस्ट है। बेसिकली ये बात ये है कि ये दोनों जो थे ओटो स्किमडिट और कार्ल विजास्कर, ये दोनों एक साथ बैठ के नहीं किए थे, ये दोनों अलग अलग अपनी जगह पे किए थे, दोनों लगभग सेम थ्योरी दिए थे बस दोनों का डिटेल जो है वो अलग था। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो सोलर नेबुला है उसमें मोस्टली हाइड्रोजन हीलियम और डस्ट है, और धीरे धीरे क्या हुआ फ्रिक्शन कोलिजन की वजह से क्या होता है, वो जो डस्ट है या फिर वो जो नेबुला है वो एक डिस्क के शेप में आ जाता है। अब आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, एक जो आपका सीडी ड्राइव होता है उस सीडी ड्राइव के बीच में अगर आप एक बॉल डाल दीजिए, सॉरी सीडी ड्राइव में बोल रहा हूँ, बस एक सीडी के बीच में अगर आप बॉल डाल दीजिए तो किस तरह का देखने में लगेगा, उसी तरह का यहाँ पे कुछ शेप प्रेडिक्ट किया गया कि एक डिस्क बन चुका है जिसके बीच में सन है। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो आसपास जो डिस्क है क्लाउड की जो डिस्क है वो एक दूसरे से टकरा करके क्या हुआ वो एक्यूमुलेट होने लगा और वो एक्यूमुलेट होकर के प्लैनेट्स बना दिया। तो ये था रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस। तो ये सब पुराने थ्योरीज अर्ली थ्योरीज हम लोग ये पढ़े हैं। अब जो न्यू थ्योरी है उसके ऊपर बात करेंगे, न्यू थ्योरी क्या है, तो यहाँ पे न्यू थ्योरी में आता है मॉडर्न थ्योरीज में हमारे जो
मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, और इसको हम लोग एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। यहाँ पे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस क्यों कहते हैं वो भी पता चलेगा। ये लेके आए थे एडविन हबल, तो हम लोग एडविन हबल के बारे में थोड़ा जानेंगे। एडविन हबल जो है वो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर है, और इन्होंने बहुत एक ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले किया है जो एक्स्ट्रालगेटिक एस्ट्रोनॉमी है। अब इसमें डिटेल्स में नहीं जाती है क्या चीज है, हम लोग बस यहाँ पे पढ़ते हैं कि एडविन हबल जो है वो एस्ट्रोनॉमर थे, और उन्होंने बताया कि भाई सबसे जहाँ पे जो है वो बिग बैंग थ्योरी की वजह से हर कुछ हुआ है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इनको पता कैसे चला ये चीज, इनको ये पता चला कि जो गैलेक्सीज हैं वो उनका जो बीच में डिस्टेंस है वो हमेशा बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है। लेकिन बात ये ध्यान में रखने वाली चीज है कि जो इंटर गैलेक्सी जो स्पेस है, मतलब एक गैलेक्सी के अंदर सन, जैसे हम लोग का जो आकाश गंगा है, जो हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे, तो इसमें क्या है सन और मून के बीच में डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मिल्की वे और कोई और गैलेक्सी के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, इसको हल्का समझने की यहाँ पे कोशिश कीजिएगा। तो इस तरह से क्या है कि जो डिस्टेंसेज है गैलेक्सीज की वो इंक्रीज कर रही है, पर गैलेक्सी के अंदर जो डिस्टेंसेज है वो इंक्रीज नहीं कर रही है। अब टाइमलाइन के बारे में बात करें तो इनका कहना था कि पूरा दुनिया में जो भी मैटर है वो सिंगुलैरिटी से बना है। अब मुझे एक फोटो डालना था बुक से लेकर के, सिंगुलैरिटी वाला जो फोटो था मैंने वो नहीं डाला, मुझसे मिस्टेक हो गया, चलिए कोई बात नहीं। जहाँ पे ये है कि जितना भी मैटर है वो सिंगुलैरिटी से बना है। सिंगुलैरिटी क्या है, ये एक ऐसा चीज है जो कि समझने में काफी दिक्कत होगा, या फिर आपको बस मान लेना होगा कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि आपने कभी अपना लाइफ में ऐसा नहीं देखा हो। कुछ होता ये है कि जब एक कोई स्पेसिफिक जगह पे, ठीक है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे बहुत ज्यादा मास एक्यूमुलेट हो जाए और उसका जो वॉल्यूम है वो लगभग जीरो हो जाए और मास लगभग इन्फिनिटी हो जाए, इसके अलावा टेम्परेचर भी लगभग इन्फिनिटी हो जाए, उसको सिंगुलैरिटी कहते हैं। जैसे कि मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये एक्चुअली है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक एटम के अंदर क्या होता है, उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाहर में उसको जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो वो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कि वो टूट करके सब सेंटर में चल गया। सेंटर में क्या है कि सेंटर में जाने का मैं वजह भी बताता हूँ कि देखिए आप लोग को पता होगा कि जो दो बॉडी के बीच में जो फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, दोनों के मासेस पे डिपेंड करता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके रेडियस से। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा दो बॉडी के बीच में उतना कम ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, और जितना ज्यादा उसका मास होगा उतना ज्यादा उसके बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि वो, क्योंकि बीच में सारा जो एटम्स एंड प्रोटॉन्स है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सारा का सारा जितना भी मास है वो सेंटर में एक्यूमुलेट होता जा रहा है, और धीरे धीरे आसपास का इलेक्ट्रॉन जो वहाँ पे गिर रहा है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका जो सेंटर का जो मास है वो मास बढ़ते जा रहा है। अब वो मास बढ़ रहा है तो वो और ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर रहा है, और वो और ज्यादा चीज अपने अंदर लेते जा रहा है, और धीरे 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 क्या होता है कि बहुत छोटा सा जो वॉल्यूम है उसमें बहुत ज्यादा यहाँ पे डेंसिटी हो जाता है, मास हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है। तो इसको कहते हैं सिंगुलैरिटी। अब बोले जा रहे कि एक बहुत विशाल सिंगुलैरिटी जो है वो एक्सप्लोड किया और बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो, क्योंकि देखिए कुछ भी फटता है तो वो एक्सपैंड करता है, दूर जाता है एक दूसरे से। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो चीज हुआ था वो 13.7 बिलियन ईयर्स हुआ था, वो आज भी हो रहा है, मतलब आज भी जो एक्सपेंशन है वो हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो बहुत सारा एनर्जी है वो मैटर बन गया। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि एनर्जी मैटर कैसे बन गया। तो हमारे जो आइंस्टाइन जी थे उन्होंने एक फॉर्मूला देके गया था कि E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कहा गया था कि जो एनर्जी है वो एम और सी का स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल है। तो यहाँ पे अभी लेबोरेटरी में या फिर अर्थ में ये करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है उस समय इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट हुआ था तो उस समय जो एनर्जी है वो मैटर में कन्वर्ट हो गया होगा, और यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंशन स्टार्टेड हुआ, और जो पहला एटम फॉर्म हुआ था वो उस एक्सप्लोजन के 3 मिनट के अंदर ही फॉर्म हो गया था। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 3 लाख साल से टेम्परेचर जो है वो कूल होकर के 4500 केल्विन पहुंच चुका है, और यहाँ पे इस वजह से क्या हुआ कि जो यूनिवर्स है वो ट्रांसपेरेंट हो गया और एटॉमिक मैटर रोज किया। इसका मतलब क्या है कि देखिए जब एक एक्सप्लोजन होता है तो बहुत ज्यादा उससे लाइट हीट एमिट होता है, और उस वजह से क्या था कि उस समय जो यूनिवर्स था वो विजिबल नहीं था, वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे टेम्परेचर कूल हुआ, इतना साल से टेम्परेचर कूल होते होते तो क्या हुआ कि अब वो जो लाइट है, वो जो टेम्परेचर, वो जो हीट था वो नहीं दिखाई दे रहा है, और अब जो हमारा जो यूनिवर्स है वो दिखाई दे रहा है, और इस वजह से क्या हुआ जो एटॉमिक मैटर जो समय बना था वो अब हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो ये टोटल फंडा है टाइमलाइन का। अब देखेंगे एक ऑल्टरनेटिव भी है इस थ्योरी का, तो हॉयल एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये दिया, ये कॉन्सेप्ट है स्टेडी स्टेट का। देखिए एवोल्यूशनरी थ्योरी क्या कहता है कि एक मतलब छोटा सा अगर इस तरह का बॉल पकड़े हम लोग तो वो क्या है, बढ़ते जा रहा है, पार्टिकल्स उतना ही है, बस उसका एरिया बढ़ते जा रहा है। लेकिन जो इनका जो थ्योरी है हबल का, वो ये कहता है कि वो जो बॉल पड़ रहा है ना, तो वो जो बॉल है वो खुद ही बढ़ रहा है,
मतलब उसके अंदर और ज्यादा मैटर ऐड होते जा रहा है, पर उसका जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं हो रहा, वो खुद में एक्सपैंड नहीं कर रहा। तो इस तरह का जो एक ऑल्टरनेटिव है, वो हॉयल दिए हुए हैं, ये बुक में नहीं है, मैं अपने तरफ से आपको दिया हूँ ताकि आप लोग इसको समझिए। इसके बाद देखिए स्टार जो फॉर्मेशन है वो क्या होता है। तो स्टार फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है मैटर का, एनर्जी का, देखिए अभी आप लोग जान चुके हैं कि ब्लास्ट हुआ था और जो भी मैटर है वो पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड हो गया। लेकिन अब स्प्रेड हुआ तो दोस्तों ऐसा तो नहीं स्प्रेड हुआ ना कि एक जैसा ही मैटर हर जगह स्प्रेड हुआ है, कहीं पे ज्यादा मैटर स्प्रेड हुआ है, कहीं पे कम मैटर स्प्रेड हुआ है। तो इस वजह से क्या होता है कि जहां पे ज्यादा मैटर स्प्रेड हुआ है वो क्या करेगा, वो जगह ज्यादा ग्रेविटेशन फील्ड बनाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी बॉडी का मास होता है। जैसे अर्थ का मास ज्यादा है तो वो ग्रेविटेशन फील्ड क्रिएट करता है, हम लोग नहीं करते हैं। सन का मास अर्थ का मास से भी ज्यादा, तो सन ज्यादा ग्रेविटेशन फील्ड क्रिएट करता है, तभी वो लोग अर्थ को अपना ऑर्बिट में होल्ड करके रखा है। तो इसी तरह से देखिए कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो मास पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड क्रिएट होगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहा जा रहा है कि मैटर एनर्जी वो इक्वली तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं, जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो कहीं कहीं पे ज्यादा मैटर, कहीं कहीं पे कम मैटर। अब जहां पे ज्यादा ज्यादा मैटर होगा वहां ज्यादा ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, और जहां पे ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वहां पे वो लोग ज्यादा आसपास की चीजों को टानेगा। अब आसपास की चीजों को टान करके वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग मैटर ड्रॉ करके एक साथ बना दे रहे हैं, ठीक है। अब जब एक साथ मैटर बन जा रहा है, एक साथ मैटर आता है, तो वो क्या करता है, वो एक बहुत बड़ा बॉल बना लेगा मैटर का, ठीक है। क्योंकि देखिए ये सब चीज आप लोग को साइंस में पढ़ना चाहिए था, मतलब साइंस में बेसिकली ये चीज पढ़ाता है कि किस तरह से कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट है अगर उसको सेंटर से टाना जाए तो लोग हमेशा एक स्पीयर का शेप ले लेते हैं। जैसे कि जो एक वाटर ड्रॉप होता है, तो वाटर ड्रॉप क्या होता है कि बीच वो एक स्पीयर का शेप में आ जाता है, क्योंकि उसका जो सरफेस टेंशन है वो बहुत ज्यादा होता है। तो उसी तरह से यहाँ भी क्या हुआ कि जब ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई हुआ तो आसपास की चीजें टन आई और वो जाकर के सेंटर में एक्यूमिलेट हो गई, और सेंटर में एक्यूमिलेट होकर एक वाटर बॉल, सॉरी वाटर बॉल का शेप बना दी, मतलब एक सर्कल बना ली वो। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मैटर साथ में ड्रॉ होता है, और यही है गैलेक्सी का फॉर्मेशन। गैलेक्सी इसी तरीके से बना, जैसे हम लोग का जो सन है वो यहाँ पे गैलेक्सी में किस तरह से है, तो वो सन क्या था, वो सन बेसिक वो चीज है जहां पे मैटर ड्रॉ होकर के आया और सन बना। अब सन के बाद जानेंगे कि बाकी जो प्लैनेट्स है वो कैसे बने, वो इस प्रोसेस से नहीं बने, वो एक नेबुलर क्लाउड है, तो अलग चीज है। यहां पे हम समझिए कि मैटर जो ड्रॉ होता है वो ड्रॉ होकर के सन बनाया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि गैलेक्सी जो है वो कब फॉर्म हुआ, जब हाइड्रोजन गैस जो है वो बहुत बड़ा क्लाउड के फॉर्म में एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है उस समय हाइड्रोजन और हीलियम ही गैस था, और कोई गैस नहीं था। तो जान लीजिए हाइड्रोजन गैस जो है वो बहुत बड़ा क्लाउड के फॉर्म में एक्यूमुलेट होता है, और उसको बोलते हैं नेबुला। धीरे धीरे क्या होता है कि इसके नेबुला के बीच में लंप ऑफ सॉलिड क्रिएट होता है, तो छोटे छोटे सॉलिड्स का लंप क्रिएट होता है, और धीरे धीरे ये डेंसर होते जाता है, घना होते जाता है। और इस वजह से क्या होता है, पहला स्टार जो है फॉर्मेशन होता है, पहला स्टार का फॉर्मेशन अबाउट 5.6 बिलियन ईयर्स को दिया हुआ है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो गैलेक्सी है उसमें बहुत सारे स्टार है, मतलब इतना कि आप लोग गिन भी नहीं सके इतना सारे स्टार है। और स्टार जो है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उनको हम लोग लाइट ईयर में गिनते हैं, मतलब इतना लाइट ईयर करके हम लोग स्टार के बीच का डिस्टेंस गिनते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारा गैलेक्सी है उसका जो डायमीटर है वो 80,000 से लेकर के 1,50,000 लाइट ईयर तक हो सकता है। देखिए लाइट ईयर क्या होता है ये भी आप लोग को जानना जरूरी है, या तो मैं डिस्टेंस का मेजर ध्यान रखिएगा, लाइट ईयर टाइम का मेजर नहीं है। ईयर सुन के लगता है कि टाइम का मेजर, लेकिन टाइम का मेजर नहीं है, लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का मेजर है। और यहाँ पे 18,000 से 15,000 लाइट ईयर तक का जो डायमीटर है वो गैलेक्सी का हो सकता है। अब देखेंगे लाइट ईयर क्या होता है, तो देखिए बेसिकली लाइट ईयर क्या है, एक डिस्टेंस का मेजर है, और हम लोग को पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड है लाइट का। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है लाइट एक साल में उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। और बेसिकली समझने की कोशिश की है कि अगर लाइट अभी इस समय यहाँ से निकला है तो वो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसको उस डिस्टेंस को कहते हैं 1 लाइट ईयर। और यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करें तो वो डिस्टेंस का जो परिमाण है वो निकलता है 9.46 × 10^12 किलोमीटर एक साल में जो लाइट है वो ट्रेवल करता है। यहाँ पे सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है वो अगर हम लोग देखें तो 1,49,598,000 किलोमीटर है वो अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस है। और इस वजह से टाइम जो है वो लाइट को लगता है 8.15 सेकेंड। इस कैलकुलेशन से हम लोग को पता चला कि 8.15 सेकेंड हम लोग को जो लाइट है उसको लगता है धरती में आने के लिए। अब इसी के साथ यहाँ पे एक फोटो है जो मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंट की है, तो ये फोटो जो है ये बेसिकली लाइट ईयर दिखाता है कि किस तरह से लाइट ईयर जो है वो इफेक्ट करता है, कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करता है लाइट ईयर। तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, पर मैंने आपको ये ऐसे ही दिखा दिया, अगर आपको किसको देखने का मन तो वो देख सकते हैं।
अब इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, की प्लैनेट्स कैसे फॉर्मेट किए। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या देखें कि जो सन है वो एक्यूमुलेट होकर के सेंटर में बन चुका है, और आसपास में क्या है कि एक क्लाउड है नेबुला का, मतलब एक हाइड्रोजन और हीलियम का क्लाउड है। अब देखिए, वो जो नेबुला है, नेबुला के जो बचा हुआ जो क्लाउड है उसमें भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे लंप जो है गैसेस के वो फॉर्म हो रहे हैं, मतलब धीरे धीरे गैस जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। और जहां पे ज्यादा गैस एक्यूमुलेट होगा, मैंने ऐसे कि आपको कहा कि अगर एक जगह गैस एक्यूमुलेट होता है तो उसका मास ज्यादा हो जाएगा, वो और ग्रेविटेशन फील्ड क्रिएट करेगा और आसपास के और गैसेस को खींचेगा, और ग्रेविटेशन फील्ड करेगा और गैस को खींचेगा, और इस तरह से क्या होता है, वो जो सेंटर का जो गैस है वो क्या होता है कि बहुत बड़ा मास क्रिएट हो जाता है, वहां पे मास जमा हो जाता है। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इस वजह से क्या हुआ, अब देखिए जो सन है उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण क्या होता है कि एक पूरा डिस्क क्रिएट हो जाता है क्लाउड और डस्ट का। और यहाँ पे क्या होता है, वो जो डिस्क है उसमें एक्यूमुलेशन होता है और छोटे छोटे बॉल बनते हैं कोहेजन से। इस छोटे छोटे जो बॉल है उसको हम लोग कहते हैं प्लैनेट एसिमल्स। क्या कहते हैं, यहाँ पे आप लोगों को स्पेलिंग आपको दिखाई देगी, प्लैनेट एसिमल्स इस क्लाउड के ये जो बॉल है इसका नाम है। और ये जो प्लैनेट एसिमल्स है वो आपस में टकरा करके एक बड़ा बॉडी बनाते हैं, लार्जर बॉडी बनाते हैं। और जो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो बॉडी क्रिएट होता है प्लैनेट एसिमल से, उसको हम लोग कहते हैं प्लैनेट जिसमें हम लोग आज रह रहे हैं। तो ये जो प्लैनेट जिसमें आप रहते हैं वो बहुत छोटे छोटे बॉडीज का एक एक्यूमुलेशन है। अब यहाँ पे देखिए सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे, व्हाट इज आवर सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में देखिएगा 8 प्लैनेट है। यहाँ पे देखिए जो कोर फॉर्मेशन जो है वो 5.56 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। यहाँ पे प्लैनेट जो है वो 4.6 बिलियन ईयर वो पहले आए। अगर हम लोग का जो सोलर सिस्टम का कॉम्पोजिशन देखें तो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, एक सन है, 63 मून है, बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स यहाँ पे, एक स्पेस होना चाहिए था, मेरा मिस्टेक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैनी एस्ट्रॉयड्स मतलब बहुत सारे एस्ट्रॉयड है, यहाँ पे कॉमेट है, बहुत सारे क्वांटिटी है डस्ट और ग्रेन का। यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग अब एक डिवीजन किए हैं जो हमारे प्लैनेट प्लैनेट्स है उसके बीच में, क्या डिवीजन है कि जो अंदर के प्लैनेट है उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल दिए हैं, या फिर उसको टेरेस्ट्रियल या फिर इनर प्लैनेट्स कहा जाता है, और जो आउटर प्लैनेट्स है उसको जोवियन या फिर आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। मतलब अंदर के चार जो है उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल कहते हैं, आउटर के जो चार है उसको हम लोग जोवियन कहते हैं। और इसके बीच में क्या होता है, एक बेल्ट होता है एस्ट्रॉयड का, एस्ट्रॉयड मतलब जो मीटोराइड्स हम लोग कहते हैं ना, अगर बहुत ज्यादा मान लीजिए रॉक, ठीक है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ रॉक, तो एक रॉक का बेल्ट है दोनों प्लैनेट, दोनों सिस्टम्स के बीच में, मतलब अंदर के 4 प्लैनेट्स और बाहर के 4 प्लैनेट्स, उसके बीच में एक रॉक का बेल्ट है। हम लोग आगे आपको दिखाएंगे नेक्स्ट पिक में, देखिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए अंदर के 4 प्लैनेट है, ये हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, उसके बाद आते हैं बाहर के 4 प्लैनेट्स, और इसके बीच में देखिए एक एस्ट्रॉयड का बेल्ट है। और इसके अलावा बहुत सारे सीरियस, यहाँ पे कॉमेट, प्लूटो, मेकमेक, मेकमेक और आयरिस, क्यूपियर बेल्ट, और ये है, ये सब चीज जो अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे, आगे हमारे जो चैप्टर जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो और डिटेल्स में हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे। तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे थे, हाँ देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो हमारे जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है वो रॉक और मेटल का बना हुआ है। जैसे हम लोग का अर्थ जो है, आप लोग खुद ही एग्जाम्पल देखिए, हमारा जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है अर्थ, वहां पे देखिए आप देखिएगा कि ये रॉक और मेटल से मिल करके बना हुआ है। लेकिन अगर आप बाहर के प्लैनेट्स को देखिएगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, तो ये क्या है, जोवियन है, जोवियन का मतलब होता है गैस, तो ये सब क्या है, गैशियस प्लैनेट्स है। और यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये गैस से बने तो काफी ज्यादा लार्ज होते हैं ये, इनका जो एटमोस्फियर है काफी थिक होता है, और इसका एटमोस्फियर बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में बना हुआ है। अब हम लोग और भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हाइड्रोजन और हीलियम है यहाँ पे, और हमारे यहाँ हाइड्रोजन हीलियम इतना कम अमाउंट में, बाकी सारे गैस इतना ज्यादा अमाउंट में क्यों, वो सब चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए सारे के सारे प्लैनेट्स हम लोग पहले भी इस चीज को पढ़ चुके हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स जो है वो 4.6 बिलियन ईयर्स अबव बने, और प्लूटो जो है उसको अगस्त 2006 तक भी एक प्लैनेट जो है वो कंसिडर किया जाता था। लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उसके यहाँ पे मीटिंग हुआ, और प्लूटो को 2003 यूबी एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के नाम से मतलब बोला गया कि ये 2003 यूबी है, मतलब एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, और इसको हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट कहेंगे, इसको हम लोग एक प्लैनेट जो है वो नहीं कह सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जोवियन वर्सेस टेरेस्ट्रियल की। तो जोवियन प्लैनेट क्या होता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होता है, देखिए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो है वो सन के क्लोज है, सन के ज्यादा पास है, चारों जो प्लैनेट है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और जो मार्स है, ठीक है, तो ये सब क्या है, अर्थ जो सन है उसके बहुत पास है, तो इस वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, जबकि ये जो बाकी चारों प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, तो ये काफी ज्यादा दूर हैं जो सन है उससे, तो इसका जो टेम्परेचर वो बहुत कम है, बर्फ जैसा ठंडा है ये सब जगह, बर्फ से भी बहुत ज्यादा ठंडा है। और यहाँ पे इसके अलावा जैसे कि मैं आपको कहा कि ये जो चारों प्लैनेट है, बाहर के चारों प्लैनेट है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, तो इनका जो एटमोस्फियर है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, लेकिन हमारा एटमोस्फियर तो ऐसा नहीं है, तो ये डिफरेंस क्यों, ये डिफरेंस है सोलर विंड्स की वजह से। सोलर विंड्स क्या है, एक ऐसी विंड है जो कि
पूरा ब्रह्मांड में चलती है, ठीक है, सन से होके गुजरती है। तो इसके वजह से क्या है कि जो अर्थ या फिर हमारा जो पहला चार प्लैनेट्स है उसमें सोलर विंड का इफेक्ट काफी ज्यादा होता है, और सोलर विंड जब आती है तो वो बहुत सारा हाइड्रोजन और हीलियम अपने साथ बहा करके ले जाती है। तो एक तरह से क्लीनिंग का प्रोसेस की वो हमारे लिए, और अर्थ या फिर हमारे जो अंदर के चार प्लैनेट्स है सबसे हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो बहा करके लेके चल गई। लेकिन ये जो सोलर विंड है वो बाहर के प्लैनेट्स में इफेक्ट नहीं करती है। तो बाहर के प्लैनेट्स में क्या है कि वो जो सोलर विंड इफेक्ट नहीं की और बाहर के चारों प्लैनेट्स वैसे ही रह गए, मतलब उनका जो एटमॉस्फेयर भी हाइड्रोजन और हीलियम से भरा हुआ है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि टेस्टेड प्लैनेट जो है उसका ग्रेविटी जो है वो बहुत कम था, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा सोलर विंड्स जो है, पहले तो सोलर विंड्स यहाँ से बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। इसके अलावा जो अंदर के चार प्लैनेट, बाहर के चार प्लैनेट्स है उसमें जब हवा चली तो क्या हुआ कि वो सब बड़े बड़े प्लैनेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने बड़ा प्लैनेट होगा उतना ज्यादा वो ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई करेगा, और क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड था तो वो जो अपना जो हाइड्रोजन हीलियम गैसेस है उसको एस्केप नहीं करने दिया, उसको पकड़ लिया, तो इस वजह से वहां से वो निकला नहीं। लेकिन अर्थ जो है, अर्थ के केस में वो बाहर जो है वो चला गया। अब इसके बाद बात करेंगे मून के बारे में। तो मून क्या है, देखिए इनिशियल थ्योरी ये कहती है कि अर्थ और मून जो है वो पहले एक सिंगल ऑब्जेक्ट था। मान लीजिए आप जो अपना घर में जो डंबल देखते हैं, फिर जो जिम में जो डंबल दिखाई देता है जिसको उठाया जाता है, तो वो उस तरह का वो ऑब्जेक्ट था अर्थ और मून। और फिर धीरे धीरे वो स्प्लिट होकर के दो टुकड़ा में बट गया। इसको सर जॉर्ज डार्विन इसके बारे में कहे थे। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक और थ्योरी था, उस थ्योरी में कहा गया था कि जो मून है वो अर्थ का एक टुकड़ा है, अर्थ का जो पैसिफिक ओशन है उसमें जो डेप्थ है या फिर उसमें जो गहराई है वो बेसिकली मून उसी से बनाया, मतलब उससे कट करके पैसिफिक ओशन से वो निकल गया बाहर स्पेस में चल गया और वो मून बन गया। तो इस तरह का कुछ और एक थ्योरी है। लेकिन मॉडर्न थ्योरी कहा जाता है कि एक जायंट इंपैक्ट है जिसको हम लोग बिग स्प्लैट कहते हैं। तो एक बॉडी था, मतलब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट था जो कि आके टकराया अर्थ से। उस बॉडी का जो मास था वो जो मार्स है उसके 3 गुना था, उतना ज्यादा मास था, वो आकर के टकराया अर्थ से और फिर अर्थ का एक टुकड़ा जो है वो फेंका के स्पेस में चल गया, और उसको भी मून कहा जाता है। और मून जो है वो 4.4 बिलियन ईयर्स को फॉर्म हुए, जबकि अर्थ जो है वो 4.6 बिलियन ईयर्स को फॉर्म हुए। तो 0.2 बिलियन ईयर्स का अंतर है अर्थ और मून के फॉर्मेशन के बीच में। अब यहाँ पे देखिएगा एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ जो है वो स्टार्टिंग में बैरन था, यहाँ पे कुछ था नहीं, कोई वेजिटेशन था नहीं, कुछ नहीं था, एक पूरी तरह से बैरन था, ये रॉक हॉट था, इसका जो एटमोस्फियर था वो बहुत थिन था और यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम ही बस दिखाई देता था और कुछ था नहीं। और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारा इवेंट हैपन हुआ 4 या 600 मिलियन ईयर्स अगो में, जिसके वजह से हम लोग का आज का अर्थ जो इस तरह से दिख रहा है। देखिए ये जो फोटो देख रहे हैं ना, ये फोटो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे किस तरह से जो अर्थ है वो टुकड़ा टुकड़ा होकर के, बेसिकली अर्थ नहीं, अर्थ का जो सरफेस है वो पहले एक बहुत बड़ा जाइंट था, वो टूट करके बहुत सारे हिस्सों में बंटता है और आज का जो अर्थ है वो किस तरह से दिखाई देता है, तो ये नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। देखिए अब हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे कि लिथोस्फीयर कैसे इवॉल्व किया, लिथोस्फीयर का एवोल्यूशन जो वो क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, मैंने इस बात को नोटिस नहीं किया था, सॉरी। तो देखिए एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यहाँ पे लिथोस्फीयर देखिएगा, तो जो लिथोस्फीयर है वो वोलेटाइल था एक समय में, क्या था कि जो लिथोस्फीयर है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल था। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसका जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ा। डेंसिटी कैसे बढ़ता है, बेसिकली देखिए अगर जो सेंटर के एटम्स हैं या फिर जो मध्य के जो एटम है वो क्या करेंगे, आसपास के जो एटम्स उसको अपनी तरफ खींचेंगे तो डेंसिटी जो है वो बढ़ेगा। अब देखिए जैसे डेंसिटी बढ़ता है वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता है, क्योंकि डेंसिटी जब हाई हो जाता है तो टेम्परेचर को अंदर से बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, बीच में टेम्परेचर फंस जाता है। और इस वजह से क्या हुआ, जैसे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया तो अंदर के जो मैटर है वो अपनी डेंसिटी के ऊपर स्प्रेड हो गया, ठीक है। जहां पे मतलब कहीं एक पूरा लेयर है जहां पे बहुत ज्यादा डेंसिटी है, एक पूरा लेयर है जहां कम डेंसिटी है, फिर एक लेयर जिसमें बहुत ज्यादा डेंसिटी है, तो उस तरह से यहाँ पे स्प्रेड हो गया। और देखा गया कि जितना भी हेवियर मेटल है जैसे कि आयरन हो गया, तो वो क्या किया कि वो एकदम सेंटर में चल गया, और जो लाइटर मेटल्स है जैसे हम लोग का जो सिलिकॉन है, भी हम लोग का जो क्ले है, जो मड है, वो ऊपर आ गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो मैटर है वो स्प्रेड हो गया अपनी डेंसिटी के हिसाब से। यहाँ पे जो बाहर का सरफेस है वो सूख गया, जैसे कि हम लोग का जो आप देखिएगा कोई भी आपको अगर घाव होता है तो आप देखिएगा कि घाव का बाहर का सरफेस सबसे पहले सूखता है। तो उसी तरह जो अर्थ है, अर्थ का भी अंदर जो है वो लिक्विड ही है, लेकिन बाहर आप देखिए कि बाहर का जो सर्फेस है वो सूख गया, वो सूख करके हम लोग जो अभी जिस क्रस्ट के ऊपर हम लोग रहते हैं वो चीज ये बनाया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है, मतलब अगर एक चीज सॉलिड है
पर एक चीज अगर लिक्विड है तो बीच में एक अंतर हो ही जाता है, और उस वजह से क्या होता है कि एक लेयर्ड सेपरेशन क्रिएट हुआ अर्थ के बीच में। आप लोग देखिएगा यहाँ पे जो फोटो मैंने दिया है उसमें आप लोग देखिए कि लेयर्स में बटा हुआ अर्थ, तो ये जो लेयर में बटा हुआ है वो उस डिफ्रेंसिएशन की वजह से ही है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हमारे पास क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर है, तो उस तरह से यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन किया गया। हम लोग सब अपने नेक्स्ट चैप्टर में आराम से पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखिए डेंसिटी इंक्रीज करता है, जितना आप अंदर जाइएगा उतना आपको डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलेगा। अब इसके बाद देखिए एवोल्यूशन ऑफ एटमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर पढ़ेंगे, तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। पहले हम लोग एवोल्यूशन ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे, ठीक है, और एवोल्यूशन ऑफ अर्थ के अंदर ही आता है एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फियर, कि लिथोस्फियर कैसे इवॉल्व किया, क्योंकि लिथोस्फियर अर्थ का कॉम्पोनेंट है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ एटमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फियर, तो एटमोस्फेयर और हाइड्रोस्फियर कैसे बनता है। तो सबसे पहले इसको बांटा गया तीन फेजेस में, कि तीन फेजेस में जो एटमोस्फेयर और हाइड्रोस्फियर है वो बना है। सबसे पहले देखिए कि लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमोस्फेयर, तो जो पहले जो एटमोस्फियर था मतलब उस समय जब अर्थ बना था वो लॉस हो जाता है। ये कैसे लॉस होता है, सोलर विंड्स आती है और हीलियम और हाइड्रोजन को अपने साथ बहा करके ले चल जाती है। जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में सबसे सब पे इफेक्ट करता है, लेकिन जितने भी जोवियन प्लैनेट्स है किसी पे इफेक्ट नहीं करता है। अब उसके बाद देखेंगे फेज टू में ये देखेंगे कि अब जो हॉट इंटीरियर है, जो अर्थ के बीच में जो ज्वाला है, जो लावा है, ठीक है, वो किस तरह से एटमोस्फेयर के बनने में कंट्रीब्यूट करता है वो देखेंगे। तो देखिए जो अंदर का जो हीट एंड टेम्परेचर है वो क्या करता है, बहुत सारे गैस और वाटर वेपर को अर्थ के अंदर से निकालता है, ठीक है। जो भी ज्वालामुखी फटता है उसके तहत क्या होता है कि ज्वालामुखी के अंदर से बहुत सारा गैस बाहर आता था, और इस प्रोसेस को हम लोग डीगैसिंग कहते हैं आपके बुक में, तो इस टर्म को आप लोग याद रखिएगा कि इसको डीगैसिंग कहते हैं। अब इसके बाद देखिए कि वो जो गैस अंदर से बाहर आया उससे बहुत ज्यादा वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन और बहुत कम ऑक्सीजन, क्योंकि देखिए अंदर चीज जल रही है, ठीक है, जलने में ऑक्सीजन यूज होता है, ऑक्सीजन यूज होकर कार्बन डाइऑक्साइड वो बनाता है, तो अंदर से बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर आएगा, ऑक्सीजन बहुत कम ही बाहर आता है। अब ये पूरा प्रोसेस था कि अंदर से इतना सारा गैसेस जो है वो बाहर आया। अब जैसे धीरे धीरे अर्थ कूल हुआ तो क्या वो वाटर वेपर कूल हो गया, और वाटर वेपर कूल होकर के वो पानी का लेयर बना दिया, ठीक है। वाटर वेपर कूल होगा, आपको पता है कि वाटर वेपर ठंडा होने के बाद तो पानी बन जाता है, तो पानी बन करके वो नीचे हो गया। अब उसके बाद क्या है कि जो क्योंकि एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ही भरा हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा जो पानी है उसके साथ जाके मिला, ठीक है। अब पानी जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एकदम ड्रेंच्ड है, पानी एकदम कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, ज्यादा अब देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड उससे मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड है क्या ग्रीन गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस जो गैसेस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलता जा रहा है, तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैसेज है, तो वो टेम्परेचर स्टोर करता है, तो अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टेम्परेचर स्टोर नहीं कर पा रहा है अपने अंदर, वो टेम्परेचर जो है वो रख नहीं पा रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हम लोग जो एटमोसफेयर है वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, और वो जितना ज्यादा ठंडा हो रहा है उतना ज्यादा वाटर वेपर कूल हो रहा है, और जितना ज्यादा वाटर वेपर कूल हो रहा है उतना ज्यादा पानी बन रहा है। तो इस प्रोसेस से बहुत ज्यादा जो पानी है, बहुत ज्यादा जो रेन है वो होता है, और धरती जो है एक तरह से पानी से पूरा भर जाती है। अब यहाँ पे ये बोला है कि जो रेन वाटर थे वो डिप्रेशन में कलेक्ट होते हैं, जो भी जो उस समय का जो अर्थ का जो टेरेस्ट्रियल जो फॉर्मेशन था उसके जितना भी डिप्रेसिंग एरिया था वहां पे जो है पानी है वो कलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ओशन जो है वो 500 मिलियन ईयर्स के बाद बने, जब अर्थ बना मतलब अर्थ बना उसके 500 मिलियन ईयर्स के बाद ये बने, ओशंस बने। तो ये एक पूरा डेटा यहाँ पे ओशन के बारे में दिया हुआ है। अब देखिए ओशन का जो एज है अभी के हिसाब से वो 4000 मिलियन ईयर्स है, मिलियन ईयर है, और जो लाइफ है वो 3800 मिलियन ईयर अगो पहले आई थी। इसका क्या मतलब हुआ कि 200 मिलियन ईयर अगो मतलब ओशन बना उसके 200 मिलियन ईयर के अंदर ओशन के अंदर लाइफ आ गया। देखिए ओशन के बाहर लाइफ नहीं आया, यह बात आप जानिए कि ओशन के बाहर लाइफ नहीं आया था। क्यों? क्योंकि उस समय क्या था, ओशन एक बहुत अच्छा हैबिटेबल जगह था, ओशन कूल था, ओशन के अंदर सब कुछ हो सकता था, आपको मिल सकता था एक पूरा एटमॉस्फेयर जिसमें जो लाइफ है वो इवॉल्व कर सके। लेकिन ओशन के बाद था क्या, लावा जल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ था एटमॉस्फेयर में, गर्मी बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो उस वजह से बाहर लाइफ नहीं हुआ, लाइफ जो ओशन के अंदर ही आया। और बहुत ज्यादा समय तक जो लाइफ है वो ओशन तक ही था, ओशन के बाहर जब आया बहुत ज्यादा समय के बाद आया। मैं आपको बताता हूं कैसे, देखिए फोटोसिंथेसिस जो है वो 2500 से 3000 मिलियन ईयर अगो पहले हुआ, ठीक है, मतलब लाइफ आने के 1000 मिलियन ईयर अगो के बाद आसपास जो है वो फोटोसिंथेसिस होता है। और उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको लिया जाता है और ऑक्सीजन जो है उसको छोड़ा जाता है, तो ऑक्सीजन को छोड़ा गया और धीरे धीरे
धीरे धीरे क्या हुआ कि पूरा ओशन में ऑक्सीजन जो है वो भर गया, पूरा ओशन का कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो गया और पूरा ओशन में ऑक्सीजन भर गया, क्योंकि सबसे पहले लाइफ जो वो ओशन में ही आया था, तो पूरा ओशन में ऑक्सीजन भर जाता है, फिर वो धीरे धीरे बाहर एटमोसफेयर में आता है, एटमोसफेयर का कार्बन डाइऑक्साइड ओशन में जाता है, फिर वो खत्म होता है, फिर ऑक्सीजन बाहर आता है। तो ये पूरा प्रोसेस से क्या हुआ कि पूरा एटमोसफेयर जो हम लोग का है इतना ज्यादा अमाउंट से ओशन से मतलब सॉरी ऑक्सीजन से भर गया। तो ऑक्सीजन भरने में इतना लंबा आपको समय लगा, तो 200 मिलियन ईयर्स आप लोग को लग गया पूरा एटमोसफेयर में ऑक्सीजन भरने में। अब इसके बाद देखिएगा फेज थ्री दिया हुआ ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो लाइफ कैसे ओरिजिन में आता है। तो यहाँ पे देखिए जो लाइफ है उसको साइंटिस्ट केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये पहला कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना था जो असेंबल हुआ था, और उसके बाद क्या होता है लाइफ जो है वो आती है काम पे। यहाँ पे जितने भी एबायोटिक सॉरी कुछ कुछ एबायोटिक मैटर्स थे या फिर जो जो मैटर जिसमें लाइफ नहीं है, धीरे धीरे उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं और वो बायोटिक सब्सटेंस बनते हैं, लाइफ आता है। और यहाँ पे जो लाइफ का जो रिकॉर्ड है कि लाइफ कब आया था, किस समय में आया था, उस रिकॉर्ड को हम लोग फॉसिल्स में ढूंढते हैं। हम लोग को जो फॉसिल है उसमें हम लोग को पता चलता है कि किस समय लाइफ आया था, कब लाइफ आया था, नहीं लाइफ आया था। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है बहुत पुराने फॉसिल में हम लोग को मिला है, ठीक है, 3000 मिलियन ईयर ओल्ड एक फॉसिल है, उसमें हम लोग को पुराना एक छोटा स्ट्रक्चर मिला है जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह दिखता है। तो हो सकता है ब्लू ग्रीन एल्गी ही होगा उस समय जो कि अभी तक बच गया, अभी तक है, और वो जो है उनको 3000 पहले मिला है, 3000 मिलियन ईयर वो मिला है, तो बहुत ज्यादा पुराने समय में हम लोग को मिला है ये। और ये बोला जा रहा है कि इस समय में इस चीज से हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि लाइफ जो है वो 3800 मिलियन ईयर्स अगो आया। अब ये जो 3800 जो बढ़ा है वो साइंटिस्ट ही बता सकते हैं कि क्यों बढ़ा है। अब मुझे तो ये चीज पता नहीं है, मैंने काफी इस पे रिसर्च भी किया पर मुझे ये चीज पता नहीं है। और जो टाइमलाइन है वो बुक में दिया हुआ, आप लोग बुक में देखिए टाइमलाइन काफी अच्छी तरह से यहाँ पे बुक में आप लोग देखिएगा कि दिया हुआ पूरा अच्छा सा फोटो है वो दिया हुआ। तो तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए जो हमारे चैनल है बंक स्ट्रीट, और सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का वीडियो वो यूट्यूब में कम अवेलेबल है। तो आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि हम लोग को भी थोड़ा व्यूज मिले, काफी मेहनत किया मैंने इस वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के हमारे साथ बने रहे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।